जो जनगण कलम में जो जितने कथाएं हैं या उनकी जो एक एक नरेशन है उनके चित्रों में, तो एक तरह से वो सबके सामूहिक है या सबके एक फॉर्म है, और वो थोड़ा बहुत बदल करके वो ये किया है। तो ये उस ट्रेन के साथ वो नहीं है या वहाँ वो काम नहीं करना चाह रहा है, या उसका अपना अंदर से ही स्व नहीं है, उसके अंदर से ही नहीं है वो चीज़ें, तो वो खुद अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश करता है एक तरह से। स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम मेरे पिताजी थे। जिस तरीके से वो बनाते थे और जिस तरीके से वो जानवरों के बारे में, पेड़ के बारे में, भगवानों के बारे में अपने तरीके से सोचकर एक पेंटिंग पर उतारते थे, अपने सोचकर वो उन्होंने एक आकृति दिया करते थे। पेंटिंग के अंदर जो उनके हाथों से वो बनाई गई चीज़, उनकी सोच, उनकी मेहनत, वो शायद और कोई नहीं कर पाएगा। उसी के बाद फिर जब और आर्टिस्ट आए और आर्टिस्टों ने काम किया, तो मुझे देखने को यही मिला कि वो लोग भी भगवानों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, पेड़ पौधों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपने कल्चर के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं। छोटा था तो मैं और आर्टिस्टों की पेंटिंग देख के उनकी नकल किया करता था, उनकी तरह बनाने की कोशिश करता था। पेंटिंग करना जब मैंने चालू किया तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था सिवाय एक हिरन के सींग
की वजह एक हिरन का सींग बना दिया या फिर एक चिड़े की चोंच बना दी, इसके बाद कुछ नहीं। यही मेरी सबसे पहली कला या सबसे पहली मेरी एक पेंटिंग थी कि मैंने एक चोंच बना दी तो बना दी, एक आँख बना दी तो बना दी, और आँख बनाने के बाद आँख बंद है तो कोई खुली हुई है। बस यही है पेंटिंग मेरी, यही थी शुरू की पेंटिंग। तो पापा खुश होते थे इस बात से कि मयंक एक अलग कुछ कर रहा है, अलग बना रहा है, या उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट है, कुछ अलग आर्ट में इंटरेस्ट है। तो पापा ने एक बार कहा भी कि ठीक है, अच्छा तो ये आर्ट बना रहा है, यही आर्ट कर, अच्छा अच्छी बात है। एक माँ है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और बड़ी अंगड़ाई लेकर खड़ी हुई है, एक अंगड़ाई ले रही है बहुत अच्छी से, उसके बाल सूख रहे हैं हवा में। एक खास बात एक पेड़ में है, पेड़ हमें कुछ कहने की कोशिश कर रही है, उसे महसूस करना है, जो हम किसी को बताकर नहीं दिखाकर महसूस कराना चाहता हूँ। जब मुझे एक बात सुनने को मिली कि मेरी पापा की पेंटिंग तो नहीं थी, किसी और की पेंटिंग थी, उसमें कह दिया किसी ने एक चिड़िया को बनाकर, चिड़िया बनी हुई थी बहुत सिंपल सी, उसे कह दिया किसी ने, एक आम जनता ने कह दिया समझ लो कि ये क्या है, ऐसा तो हम भी बना सकते हैं। वही बात मेरे दिमाग में खटकती रही, वहाँ से फिर मेरे अंदर एक बात ये पैदा हो गई कि मैं करूँगा तो सबसे अलग ही करूँगा, और मैं फिर दिखाऊँगा इनको वो करके कि ये मेरा आर्ट क्या है, और ये लोग जाने ट्राइबल आर्ट को कि ट्राइबल आर्ट कितना कठिन है। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि पेंटिंग खरीदना, बेचना और अपने दीवारों पर टांगना बहुत आसान है, लेकिन उसे बनाना बहुत मुश्किल है। ये कोई आम बात नहीं है कि पेंटिंग बन गई तो उसे खरीद ले, या फिर कोई खरीदना चाहता है इसलिए बना दिया फटाक। तकनीक पक्ष से ज़्यादा मुझे उसकी कल्पना या उसका भाव पक्ष कह सकते हैं, वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। मैंने जब वो पेंटिंगें बनाना शुरू की, इसके बाद फिर मैंने उन्हें गिफ्ट करना चालू किया, गिफ्ट की मैंने पेंटिंग्स में, क्योंकि रखता बहुत कम था अपने पास, कलेक्शन मुझे रखने का इतना शौक़ नहीं था। तो फिर मैंने खूबसूरती के ऊपर ध्यान दिया, सबसे पहले खूबसूरती के ऊपर ध्यान दिया, और खूबसूरती के बाद जब बात आई कि खूबसूरती किससे होगी, पेंटिंग में खूबसूरत चीज़ क्या बनेगी, तो फिर मुझे पेड़ ही एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगती है। मैं पेड़ को अपने एक माँ बाप की नज़र से देखता हूँ, तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो वहाँ से भी मैंने एक बात शुरू की, एक सोचा कि माँ बाप का मतलब होता क्या है। तो ये माँ बाप की तुलना मैंने पेड़ों से करी, और पेड़ों से की, पेड़ों से इसलिए की क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फल भी मिलता है, छाया भी मिलती है, और ऐसे ही एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं,
वो अपना एक वक्त का खाना बचाकर भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं, तो माँ बाप का दिल वैसा होता है। तो इस पेड़ का भी दिल कुछ ऐसे ही है, जो सिर्फ देता ही देता है, लेता कुछ भी नहीं है। और इत्तेफाक से जो मुझे पसंद आया वो और लोगों को पसंद आया, उससे जब मुझे प्रोत्साहन मिला तो मेरे पास मानो एक पावर सा आ गया और काम करने का। अब शिक्षा से दूरी नहीं, नवी कक्षा में दाखिला लेने वाली बालिका को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त साइकिल। मिलते हैं जो कदम राहें होती है हमदम। आंखों में सपने पलते हैं, जोश से मचलते हैं, ये बढ़ते कदम। बढ़ते कदम विविध भारती पर शनिवार शाम 6:30 से 7 और आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से रविवार रात 8:30 से 9 बजे तक। नए द्वार। लेकिन एक आम जनता भी इस बात को समझे, मैं चाहता हूँ एक ट्राइबल आर्ट को समझे कि क्या है ट्राइबल आर्ट। सिर्फ ट्राइबल आर्ट देवी देवता ही नहीं है, ट्राइबल आर्ट सिर्फ अपना कल्चर ही नहीं है, एक आदिवासी मतलब एक आदिवासी भी अपनी तरीके से क्या क्या सोच सकता है। मैं उस पर पेंटिंग बनाता हूँ कि एक आदिवासी मैं खुद हूँ तो मैं क्या सोच के बनाता हूँ पेंटिंग। ये कल्चर में पेंटिंग बनती है और देवी देवताओं में पेंटिंग बनती है, तो लोगों ने इसे ही मान लिया है कि यही पेंटिंग है, यही ट्रैवल आर्ट है। जिस तरह से उसकी अपनी इमेजिनेशन है, जैसे वो पैर था, उसके साथ वो कुछ कान है और उसका जो एक्सटेंशन है, कुछ ऐसे फॉर्म्स है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ वो अपनी कल्पना में जो जोड़ता जाता है और उसमें ऐसी कुछ चीज़ निकलती है, वो असल में वो उसकी खूबी है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे सोच सी पैदा होने लगी कि यार ये सिर्फ पेड़ एक खूबसूरती है, लेकिन इसके आगे और क्या होना चाहिए। इसमें आर्टिस्ट बाद में हूँ, सबसे पहले एक ट्राइबल हूँ, चाहे मैं शहर में हूँ, चाहे मैं अपने गांव में हूँ या फिर अपने कल्चर में नहीं रहा या रहा, लेकिन सबसे पहले मैं एक ट्राइबल हूँ। तो उसके हिसाब से जब मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ के लोग यहाँ पर देखते हैं और यहाँ से देखने के बाद फिर वहाँ पर कुछ करते हैं, लेकिन मैं वो हूँ जो वहाँ से आने के बाद यहाँ पर खड़े होकर उस जगह को देखता हूँ। तो मैं यहाँ का रहा हुआ ऐसी चीज़ देखता हूँ तो एक आश्चर्यजनक चीज़ मुझे लगती है, और वही आश्चर्यजनक चीज़ शायद मेरी पेंटिंग मेरे दिमाग में आ जाती है और उसी को आकार बना के सही जगह अपनी पेंटिंग में रखता हूँ, तो शायद वही खास बात है मेरी पेंटिंग। तो कलर को असल में हम कहते हैं जो कलरफुल है वो मतलब कलर है, हम जिस तरह से कहते हैं मतलब सफ़ेद है और सफ़ेद से सारे कलर परावर्तित होते हैं और काले से मतलब उसमें समाहित होते हैं, तो एक तरह से वो पूर्ण ही है ब्लैक एंड वाइट, है ना।
कलर एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी आदमी को प्रभावित कर सकती है, एक आम आदमी को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर कोई ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग एक आम आदमी को प्रभावित करती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और लोग बाद में प्रभावित होते हैं, सबसे पहले मैं प्रभावित होता हूँ। और ये अभी तक के जितने भी टाइम में मैंने पेंटिंग की है, सबसे पहले पेंटिंग को मैंने ही पसंद किया है, इसके बाद लोगों को दिखाने की कोशिश की कि मैं हमेशा किसी न किसी की तुलना में पेंटिंग बनाता हूँ। मैं कभी मछली की तुलना शहरी लोगों से कर देता हूँ, कभी मछली की तुलना एक आम इंसान से कर देता हूँ, कभी मछली की तुलना एक बैगा जनजाति से कर देता हूँ, या फिर एक महान पुरुष की तुलना बड़े देव से करता हूँ। तो ये मेरा देखने का नज़रिया है। मैं भले ही यहाँ पर मेरी पैदाइश शहर की है, लेकिन मैं एक ट्रैवल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी नज़र से देखता हूँ कि अब क्या होना चाहिए। पहले जो होता था एक ट्रैवल पेंटर जो बनाता था वो क्या बनाता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ तो अब मैं क्या बनाऊँगा। स्वामीनाथन जी और मेरे पापा स्वर्गीय जनगत सिंह श्याम, मैं ऐसा लगा था कि मैं उस कीड़े को महानता देता हूँ जिसने उस शंख को बनाया है। इसी तरह मैं महानता स्वामीनाथन जी को देता हूँ कि उन्होंने ऐसे कला को परखा, ऐसे कलाकार को परखा। तो इसलिए मैंने स्वामीनाथन की तुलना कीड़े के साथ कर दी है और पापा की तुलना संघ के साथ कर दी है। तो मैंने उनके जीवन के बारे में सब कुछ सोचा, तो फिर मेरे दिमाग में आकृति आई कि हाँ, मुझे ये जगह ये बनाना है। एक आदिवासी जो गांव में रहता था, किन चीज़ों से ज़्यादा जूझा है, किन चीज़ों के बीच में रहकर उन्होंने अपने आर्ट को एक दीवार पर बनाना शुरू किया या फिर बनाया, तो मैंने देखा कि एक मछली, एक चिड़िया, जानवर, ये उनके हमेशा उनके दिमाग में और उनकी पेंटिंगों में डली हुई देखी हमने। और उनके बीच में हमने देखा है कि शायद ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं के बीच में थे, इसलिए बार बार इन चीज़ों को बनाते हैं वो, इन्हीं चीज़ों से ढले हुए हैं क्योंकि वो। तो मछली को भी बनाना उनकी लाइफ से मैंने जोड़ दिया है, एक मछली को, एक चिड़िया को। इसके बाद कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो शहर में आने के बाद, एक हवाई जहाज़ पर जाना, हवाई जहाज़ पर आना, तो वो भी एक उनकी किस्मत थी। और उसके ऊपर आते हैं तो ये पेड़ में भले पत्ते नहीं है, लेकिन इतना अट्रैक्टिव पेड़ है ये कि मुझे खुद इतना अच्छा लगता है कि, तो ये सब चीज़ें मैंने इनमें दिखाई है। फैमिली मतलब मेरा परिवार है, आज जो कलाकार हैं, तो इनकी बात जो कलाकार आए हैं आज, कैसे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कैसे अपनी जगह पर हैं। सांप को हमारे यहाँ हमेशा काली मानते कि जब इसने पापा को ख़त्म किया तो पूरा बवाल मच गया, शोर हो गया चारों तरफ बिल्कुल, और बिल्कुल अंधेरा सा होने लगा मतलब दिमाग में कि क्या हो गया ये एकदम से। कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मैंने, वो जो एक यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, तो उन्होंने हमेशा सबसे नम्रता से बात की, हमेशा इज्जत दी, सबको छोटे से लेकर बड़े तक सबसे अच्छा व्यवहार रखा। तो वो, मैं अपनी नज़र से उनकी बात लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे थे, और मैं अपने पापा की और अपने पापा के गुरु की लाइफ को मैं अपनी तरीके से कैसे देख रहा हूँ, ये इस पेंटिंग में बताया है। काम कहीं पर भी करा जा सकता है, काम का कोई ऐसा नहीं है कि गांव में रहकर करा जा सके या फिर शहर में रहकर किया जा सके। यही बात मैं कह रहा था कि मैं आज इस बहुत प्यारी सी जगह पर बैठा हुआ हूँ, मुझे वो प्राकृतिक और वो जंगलों की हर चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो मुझे देखना बहुत पसंद है। और शायद इन्हीं चीज़ों को देख कर मेरे पेंटिंग में कुछ निखार आता है, इन्हीं चीज़ों को देख कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर बैठकर पेंटिंग बनाऊं। मैं चीज़ अच्छी देख रहा हूँ, बहुत सुंदर चीज़ें देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ बैठकर पेंटिंग बनाऊं। ये मेरे दिमाग में लॉक हो चुकी है। और एक सही आर्टिस्ट तो वो है जो इन चीज़ों को लॉक कर सके, और लॉक करने के बाद उसे अपनी तरीके से ढाल कर, जो उसके दिमाग में डिज़ाइन बन चुका है, जो बनाना चाहता है, वो अगर एक शीट में अगर उतार लेता है तो एक सही आर्टिस्ट है। असल में वो तकनीक तो मतलब है, पेन है और उसमें जो किया है, बट वो कल्पना को जो और एक्सटेंशन मिलता है, या जो
चित्र में जो फॉर्म आ रहा है तो इसके द्वारा उसको एक्सटेंशन देने की ये कोशिश करता है, तो वो बहुत उस तरह से उसको एक इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस की तरफ ले जाती है। तो वही आदमी जो खरीदार है वो किसी मॉडर्न फाइन आर्ट आर्टिस्ट के पास जाएगा तो वो जो कीमत बताएगा वो वही कीमत होती है उसकी, और वो सुन के चुपचाप रहता है हाँ कि है इसकी कीमत। लेकिन जब एक ट्राइबल आर्टिस्ट के पास जाता है तो क्यों भाव तोल करता है उसकी, उसकी कला की कीमत क्यों बताता है वो खुद? मुझे ये चीज़ खलती है, ये बात मुझे बहुत दिल में चुभती है कि वो उसके पास जाते हो तो उसे एक अलग मानते हो, हम हैं तो एक हमें अलग माना जाता है, ये क्यों, ये फ़र्क क्यों है? इसी फ़र्क के ही पीछे मैं अपने आर्ट को वहाँ तक देखना चाहता हूँ, और एक दिन कह तो नहीं सकता लेकिन मैं अपने आर्ट पर वो हर चीज़ करता हूँ जो एक फाइन आर्ट या मॉडर्न आर्ट के पास भी नहीं होगा। पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा काम सबसे अलग हो, और यही वजह है कि मेरा काम शायद सबसे अलग इसलिए है। हम जो ये जो वर्गीकृत करते हैं ना कि ये ट्राइबल आर्ट है, ये मॉडर्न आर्ट है, ये है, ये इसके अगर इसके बरक्स हम देखें दूसरी तरह से, अगर एज एन ह्यूमन बीइंग ही हम देखें तो ये बिल्कुल शहर में यहाँ पैदा हुआ है, तो जो इसने जो चीज़ें देखी हुई है तो नेचुरली वो सारी चीज़ें आई हैं। और वैसे अगर मुझे मैं देखूँ तो मैं इसे ट्राइबल आर्टिस्ट नहीं कहूँगा उस अर्थ में कि मैं इसे अर्बन ही आर्टिस्ट कहूँगा। Thank you.